सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियो में अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लोगे, वो भी बिल्कुल एक्टिव। क्योंकि गाइस, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, जब मैंने YouTube से रिलेटेड वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया था, तो मैंने सिर्फ 10 वीडियो में अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे, वो भी बिल्कुल एक्टिव। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं एंड प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं। और ऐसा नहीं था कि मेरी वीडियो पे 400-500 या 1000 या 1500 व्यूज आते हो, जैसा अभी आपका हाल है वैसा ही मेरा था। किसी किसी वीडियो पे 10 व्यूज, किसी पे 20, किसी पे 30, अगर मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी है तो किसी पे 50 व्यूज पहुंच जाते थे, इससे ज्यादा व्यूज मेरे नहीं आते थे। फिर भी मैंने कुछ ट्रिक यूज किए, कुछ आइडिया लगाए और कुछ उसमें मैंने स्टेप थे वो फॉलो किए, सिर्फ 10 वीडियो में अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। और ये चीज मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। एंड अगर आपको सिर्फ 10 वीडियो में अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके व्यूज नहीं आते हैं, नया चैनल है, आपको सब्सक्राइबर चाहिए, आपको व्यूज चाहिए, आपका चैनल ग्रो होगा, तो भाई ये चीजें आपको स्टार्टिंग में फॉलो करना पड़ेगी। एंड जो ट्रिक बता रहा हूं उसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। बट गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है अपने चैनल पर 1000 घंटे का गिव अवे चल रहा है। मैं हर वीक आप में से एक क्रिएटर को 1000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करा के देने वाला हूं। एंड अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो वीडियो को पूरा एंड तक देख के, वीडियो को लाइक करके। एंड इस वीडियो में आपको एक कोड दूंगा, उस कोड को क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना है, मैं खुद कोड आपको बताऊंगा। उसको सेंड करने के बाद अगर आपका नाम आता है, अगर आप विनर बनते हो रैंडम कमेंट पिकर से, तो आपको 1000 घंटे का वॉच टाइम मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपको प्रमोशन के बारे में, गिवअवे के बारे में नहीं पता है, तो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हो एंड उसके बारे में आप जान सकते हो। एंड एंड स्क्रीन में भी वीडियो दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो वाले मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो अगर आपको गिवअवे के बारे में नहीं पता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने वीडियो टॉपिक की। तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरी स्टार्टिंग की 10 वीडियो हैं जिनसे मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे। यहां से मैंने इस वीडियो से स्टार्टिंग की थी, इसी वीडियो से मैंने YouTube की टिप्स देना स्टार्ट किया था। पहले भी मैं देता था लेकिन मैं एक्टिव नहीं था। 2020 में मैंने जब चैनल पे एक्टिव हुआ तब मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की जो कि YouTube से रिलेटेड थी। एंड यहां पर देख सकते हैं, ये आपको वीडियो दिख जाएगी, इस पे नॉर्मल व्यूज आए थे। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो वीडियो है इस पे नॉर्मल व्यूज आए थे स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि इस पे बहुत ज्यादा व्यूज आ गया हो, लेकिन मुझे पक्का पता था ये वीडियो चलने वाली है और वो वीडियो चली। कैसे चली मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या मैंने ट्रिक यूज की सब कुछ आपको पता चलेगा। तो यहां पर इस वीडियो से मुझे स्टार्टिंग में लगभग 20-25 सब्सक्राइबर मिले थे। जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो 2 दिन के अंदर मुझे 20-25 सब्सक्राइबर मिल गए और मुझे वो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि भाई मेरे चैनल पर एक्टिव सब्सक्राइबर मुझे मिले। यहां पर 20-25, अभी तो यहां पर 60 सब्सक्राइबर हैं एंड अभी इस वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं, तो यहां पर लगभग मुझे 20-25 सब्सक्राइबर इस वीडियो से उसी टाइम मिल गए। एंड यहां पर दूसरी वीडियो मैंने जब अपलोड की तो दूसरी वीडियो पर भी मुझे लगभग 15-20 सब्सक्राइबर मिले थे। एंड जब मैंने तीसरी वीडियो अपलोड की तो भाई तीसरी वीडियो पर मुझे 50 सब्सक्राइबर मिले, यानी कि 50 से लेकर मतलब 40 सब्सक्राइबर मुझे मिल गए थे। अभी तो उस पर ज़्यादा दिखा रहे हैं, लगभग 40 सब्सक्राइबर मिल गए। अब मुझे लगा कि एक ना एक वीडियो मेरी वायरल होगी, क्योंकि उस टाइम मेरा व्यूज़ जो था धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, कभी 50 आ रहा था, कभी 100 आ रहा था, कभी 150 व्यूज़ पहुंच जा रहा था। तो मुझे यकीन था कि मेरी वीडियो जो मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ वो वर्क कर रही है एंड उससे मेरी एक ना एक वीडियो वायरल होगी। एंड यहाँ पर देख सकते हैं, फिर मैंने एक वीडियो अपलोड की उस पर मुझे कुछ 30-35 सब्सक्राइबर मिल गए थे। यहाँ पर मैं ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते होंगे, लेकिन उस टाइम मुझे 30-35 सब्सक्राइबर मिले, यानी कि आधे आधे इनसे मैं बता रहा हूं। एंड उसके बाद जब मैंने वीडियो एक अपलोड की वो वीडियो मेरी चल गई, उससे मुझे लगभग 300 सब्सक्राइबर, 250 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर लगभग मिले थे। तो यहां पर देख सकते हैं इस टाइप की, यानी कि मुझे पता था कि एक ना एक वीडियो मेरी वायरल होगी। एंड मैंने वैसे ही ट्रिक यूज करता रहा, मेरी 2 वीडियो वहां पर चली, 2 वीडियो पर मेरा 2-3 हजार व्यूज पहुंचा एंड उससे मुझे लगभग 200-250-300 सब्सक्राइबर मिले। एंड यहां पर एक वीडियो और भी दिखा देता हूं, यहां पर फिर मैंने उसके बाद वीडियो अपलोड किया, फिर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे सब्सक्राइबर मिलने लगे। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे मैंने वीडियो अपलोड की एंड उसके बाद मेरी एक वीडियो और चली जिससे मुझे 138 सब्सक्राइबर मिल गए। तो भाई, और मैंने इसके बाद एक वीडियो अपलोड की तो उसके बाद मुझे 325 सब्सक्राइबर मिले। ये मेरे 10 वीडियो की जर्नी थी जिनसे मुझे 1000 एक्टिव सब्सक्राइबर मिले। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है एंड ये सब्सक्राइबर मुझे कैसे मिले, मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, किस तरीके से मैंने 10 वीडियो से अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। सो गाइस, ये वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने एक प्लान बनाया जो आपको भी प्लान बनाना है। मैंने कुछ पॉइंट नोट किए जिनकी मुझे जरूरत थी एंड जो मेरी वीडियो में होना चाहिए एंड उन्हीं से मेरी वीडियो आगे चलने वाली थी। तो यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ज्यादा आपको घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आपको कुछ यूनिक टॉपिक ढूंढना पड़ेंगे। आपकी अगर जो भी कैटेगरी हो, कुकिंग की हो या ब्लॉगिंग की हो या टेक की हो या अर्निंग की हो, पहले आपको कुछ यूनिक टॉपिक
सर्च करना पड़ेंगे। आप बड़े बड़े क्रिएटर को फॉलो करते होगे, आपके कैटेगरी वालों को फॉलो करते होगे, तो उनके चैनल को आप सर्च करो, उनके चैनल में आप देखो कि भाई क्या क्या चीजें हैं, एंड उनके चैनल में आपको जो भी यूनिक वीडियो लगे, जो भी एकदम अलग वीडियो हो, मतलब जो सारे कॉमन टॉपिक होते हैं उनसे एक अलग वीडियो होना चाहिए, उस वीडियो में कुछ अलग हो, उस वीडियो को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। इसी प्रकार से आपको अपनी कैटेगरी के 10 यूनिक टॉपिक आपको अपनी नोटबुक में रख लेना है, एंड उन टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करनी है, एंड उन टॉपिक के बारे में आपको जितना सोच मिले, जितना अच्छे तरीके से डीपली आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, उतनी ही अच्छी आपकी वीडियो बनेगी। अब आपके पास 10 हो गए बिल्कुल यूनिक टॉपिक जिन पे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। एंड दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपकी वीडियो क्रिएट करने से या चैनल क्रिएट करने से या वीडियो अपलोड करने से आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर आपके तब बढ़ेंगे जब आपकी वीडियो नए लोगों के पास जाएगी, आपकी वीडियो पे व्यूज आएगा, जब व्यूज आएगा न्यू ऑडियंस आपके चैनल पर आएगी, तभी तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगी अगर आपका यूनिक टॉपिक है। तो उसके लिए आपको एसईओ करना पड़ेगा अपनी वीडियो का, एक परफेक्ट तरीके से एसईओ करना पड़ेगा, परफेक्ट तरीके से आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा और उसमें अच्छे तरीके से आपको कीवर्ड ऐड करना पड़ेंगे ताकि आपकी वीडियो न्यू ऑडियंस के पास पहुंचे, न्यू ऑडियंस के पास जाएगी तभी आपके चैनल पर न्यू ऑडियंस आएगी, तभी आपको न्यू सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो आपको एसईओ के बारे में, उस वीडियो के बारे में बहुत सारे कीवर्ड आपको लगाने पड़ेंगे, सही तरीके से एसईओ करना पड़ेगा। एंड आपने यूनिक टॉपिक बना लिया, अब आपने एसईओ भी कर लिया, लोगों के पास वीडियो भी पहुंचा ली, अब लोगों को अपनी वीडियो पे क्लिक कराना पड़ेगा। क्लिक कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बेहतरीन थंबनेल यानी कि एक क्लिकबेट थंबनेल बहुत ही ज्यादा उस पर रिसर्च करके आपको एक थंबनेल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप थंबनेल क्रिएट कर लेते हो तो वीडियो आपका यूनिक टॉपिक है, वीडियो भी आपके लोगों के पास पहुंच रही है, क्लिक भी आ गया, ये तीन चीजें आपकी मेन हो गई जिससे आपकी वीडियो पे ऑडियंस आ सकती है। अब आपकी वीडियो पर जरूरी नहीं है कि व्यूज आ जाए तो आपको सब्सक्राइबर भी मिल जाए, सब्सक्राइबर आपको तभी मिलेगा जब आपकी वीडियो लोगों को पसंद आएगी, एंड आपकी वीडियो तभी रैंक करेगी जब उस वीडियो को पूरा देखा जाएगा, उस वीडियो की जो एंगेजमेंट होगी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। अब आपको वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट यहाँ पर कवर करने हैं, आप जो भी वीडियो बनाए ना उस वीडियो को इस तरीके से बनाए ताकि जो मेन टॉपिक हो वो एंड तक चले, मतलब एंड तक आपकी वीडियो में कुछ ऐसा मेन टॉपिक होना चाहिए जिसको देखने के लिए बंदा आपकी वीडियो को एंड तक देखे, जैसे कि आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, इस तरीके से आपकी एक वीडियो होना चाहिए जिसमें एक एक पेज खुलता रहे और उस वीडियो को लोग देखता रहे, इससे आपकी जो एंगेजमेंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको दो चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन हो जाती हैं, वो है एक वीडियो क्वालिटी और एक है ऑडियो क्वालिटी। ये दो चीज़ें अगर आपकी बेटर होंगी तभी लोग उस वीडियो को एंड तक दे पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूनिक टॉपिक सर्च करना है, आपको एसईओ करना है, फिर आपको थंबनेल बनाना है, फिर आपको अपने ऑडियंस को रोकना है, अपनी वीडियो में कुछ इस तरीके से बोलना है, फिर आपको ऑडियो क्वालिटी पर भी ध्यान देना है, वीडियो क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। ये आपके टॉपिक कवर हो गए। अब आपकी जो वीडियो की एंगेजमेंट होगी वो कैसे इंक्रीज होगी, मैंने आपको बताया अगर आपके पास 10 भी 50 व्यूज आते हैं या 20 25 व्यूज आते हैं तो आप उन्हीं से ही अपनी एंगेजमेंट अच्छी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी वीडियो में कमेंट कराना है, अपनी वीडियो में लाइक करना है, यानी कि ऑडियंस को इस तरीके से एक क्वेश्चन दीजिए या उनसे अपने चैनल का नाम पूछ लीजिए या उनका नाम पूछ लीजिए, या आपको कहां से हैं ये पूछ सकते हैं, या उनके व्यूज कितने आते हैं ये पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन टाइप का आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में कमेंट करा लेते हो, आपकी वीडियो पे व्यूज आते हैं, आपकी वीडियो पे 10 कमेंट आ रहे हैं, तो आपकी वीडियो की रीच इंक्रीज हो जाएगी। वहाँ पर इंगेजमेंट आपको चाहिए होता है, स्टार्टिंग में अगर आप इंगेजमेंट अच्छा कर लेते हो तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिक वहाँ पर रीच होने लगेगी। और ये सारे पॉइंट आपको एक कवर करने हैं, ये लिख कर रख लेना है आपको, ये सारे पॉइंट आपको अपनी वीडियो में कवर करने हैं। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो भी कमेंट आए उन कमेंट का रिप्लाई देना है, एंड उन कमेंट को आपको पिन करना है, एंड 10 वीडियो में आपको इसी टाइप से काम करना है। भाई मेहनत तो देखो आपको करना पड़ेगी अगर आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये सारे पॉइंट आपके स्टार्टिंग में होना चाहिए, कोई भी गलती मत करना। और अगर आप इस तरीके से 10 वीडियो एक महीने में अपलोड कर लेते हो तो आपके 1000 सब्सक्राइबर इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी ऑटोमेटिक वीडियो रैंक करने लगेगी, एक दिन में नहीं करेगी, दो दिन में नहीं करेगी, चार दिन में आपकी वीडियो रैंक करेगी, लेकिन करेगी जरूर अगर आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। बस आपको ये चीजें, ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेंगे जो कि मैंने स्टार्टिंग में किया था, आप स्टार्टिंग की वीडियो देख सकते हो जाके, मैंने ये सारे पॉइंट कवर किए थे जिससे मेरी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक रैंक करने लगे, एंड मेरे व्यूज आए, न्यू ऑडियंस के पास वीडियो पहुंची तो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि मेरा यूनिक कॉन्टेंट था, यूनिक कॉन्टेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर वो करते हो स्टार्टिंग में तो ऑटोमेटिक आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, एंड आज का आपको मैं कोड बता देता हूं, तो 058686 आज का कोड है, इस कोड को मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना। अगर आपका मैं कोड सीन नहीं करता हूं तो टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपका नाम आता है रैंडम कमेंट पेकर में, आप विनर बनते हो, तो मैं वो कोड चेक करूंगा एंड आपको 1000 घंटे का वॉच टाइम मिल जाएगा, तो कोड आपको सेंड कर देना है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी लंबी वीडियो, थोड़ी बोरिंग वीडियो है मैं जानता हूं, लेकिन यही चीज
चाहिए होती है आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आप इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो जाने को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।